वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रिया एंड आई एम योर मैथ्स सेंटर मिस प्रिया गुप्ता। हमने आज अगले सीरीज सिर्फ कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे डेसिमल है, रेशनल नंबर है, एक्सपोनेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, लाइन्स एंड एंगल्स है। कुछ इश्यूज के चक्कर में हमारी जो आर्य अग्रवाल की सीरीज जो थी वो हमारी गड़बड़ हो गई है। उसको थोड़ा मतलब ऐसे कह रहे थे हॉशपोर्ट तरीके से मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपको उसके एक सीक्वेंस पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर क्लास सेवन का आर्य अग्रवाल सीरीज का चैप्टर फर्स्ट इंटीरियर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर हमारे बहुत तरीके के हैं, जैसे इसमें नेचुरल नंबर, रोल नंबर एंड इंटीरियर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम डेली यूज में पढ़ते हैं, जिनको डेली यूज में हमारा काम है, एक से लेके अनलिमिटेड काउंटिंग तक, मतलब कोई भी उसकी एंडिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम कितना भी काउंट करते रहेंगे वो हमारा एक नेचुरल नंबर चलता रहेगा। होल नंबर क्या होता है, जो इंक्लूडेड जीरो होता है, जिसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, जिसकी स्टार्टिंग जीरो से हो रही है वह हमारा होल नंबर कहलाता है। अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हमारा चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये हमारे दो तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड हमारा जीरो भी होता है। इसको हम एक नंबर लाइन में शो करेंगे। हमारे राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है हमेशा, और हमारे लेफ्ट साइड हमारे हमेशा नेगेटिव रहता है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस अभी हम आपको थोड़ी देर बताएंगे। पहले आप ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं इनको नोट डाउन कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, जैसे एडिशन एंड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अब हम आपको ये समझाएंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं सॉल्व, हमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कैसे क्वेश्चन लगाना होता है ये अब बताएंगे। हमें पता है 2 + 3 इज इक्वल टू हमेशा 5 ही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन क्या माइनस प्लस हो सकता है? नहीं। अगर ये -2 है और ये +3 है तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1। इसलिए 1 आएगा क्योंकि ये माइनस का हमारा साइन है, और जो डिजिट बड़ी होती है उस पर जो साइन लगा होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा साइन 3 में है, सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 3 है, और इसमें साइन हमारा प्लस लगा है, तो ये हमारा +1 ही आएगा। यही अगर हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आया आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस तो होता ही प्लस है हमारा। और ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जैसे मैंने अभी आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कब हमारा प्लस होगा और कब हमारा प्लस नहीं होगा। सेम रेसिप्रोकल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, इसमें हमारा अलग प्रोसेस होता है। माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, और प्लस माइनस भी हमेशा माइनस होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि माइनस माइनस हम माइनस कर लें, नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारी जो होती है वो हमेशा गलत होगी, हम इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब एडिशन में भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनको लगाने का एक अलग अलग मेथड होता है, इनके लॉज होते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ टू इंटीजर्स, हमें दो इंटीजर्स का सम रखना है, वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। सेकेंड है प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव लॉ, जिसमें हमारे दो कम्युनिकेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर एडिट टू इंटीजर्स देन ए, अगर हमारे दो इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी इज़ टू बी प्लस ए, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है कम्युनिकेटिव लॉ का। नेक्स्ट है एसोसिएट लॉ, जिसमें हमारे तीन इंटीजर्स होते हैं, अगर हमें तीन इंटीजर्स नहीं हुए तो हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट में हमारा है। फिर नेक्स्ट है फोर एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव, मतलब कोई भी अगर नंबर एक इंटीजर है जिसको हम होल नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, वो एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसका हमारा सेम आंसर ए ही आएगा। किसी भी डिजिट को होल नंबर से ऐड करेंगे तो वही हमारा डिजिट ही आएगा। एंड लास्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, उसका उल्टा जस्ट अपोजिट, ए प्लस माइनस ए, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर इसको ब्रैकेट में ओपन करेंगे माइनस ए प्लस ए हो गया,
इसको सॉल्व करने में हमारा होल नंबर जीरो आएगा। जैसे जैसे माइनस वन प्लस वन इसे पढ़ लेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। ये हमारी पांच प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिर्फ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सॉल्व करने में। स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स प्लस माइनस हमेशा हमारा माइनस होगा, माइनस प्लस हमेशा हमारा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो हाफ आ रहा है जीरो आएगा और ये गलत होगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा, माइनस माइनस हमारा हमेशा प्लस होगा, इसीलिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में नहीं आएगा। इसका एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं कैसे लगेगा। नाइन फ्रॉम फोर मतलब हमें फोर से नाइन को माइनस करना है, ना कि नाइन को फोर से माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा अपोजिट होता है, अगर फ्रॉम लिखा है बीच में तो लास्ट वाले डिजिट को हमें फर्स्ट वाले डिजिट से माइनस करना होता है। जैसे फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू, हमें ये हमारा क्वेश्चन लिख गया है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ये फोर तो हमने लिख दिया, फ्रॉम का मतलब हमें पता होता है माइनस नाइन होता है, लेकिन नाइन नाइन हमारा प्लस में तो हम इसको प्लस को ब्रैकेट में कर देंगे, हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे फोर माइनस नाइन हो जाएगा। और नाइन फोर में से नाइन माइनस करेंगे तो ये तो काउंट माइनस करना किसी को नहीं आता है, लेकिन माइनस करेंगे नाइन में से फोर क्या आ गया फाइव, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, इसलिए क्योंकि बड़े डिजिट में हमारा साइन काय का लगा है माइनस का। ये हमारा एक क्वेश्चन है, सेम एज एज एक क्वेश्चन ऐसा एक और है माइनस एट फ्रॉम फाइव, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं समझना है कि माइनस एट को फाइव से माइनस कर दिया सीधे माइनस थ्री लिख दिया, ना ये करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस फाइव को माइनस एट से माइनस करना है, फाइव हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर फ्रॉम को मतलब मतलब माइनस एट हमने दे रखा है माइनस में, तो माइनस एट इसको इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हमेशा हमने क्या बताया था आपको प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए ऐड हो गए। आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर एडिशनल इंटीजर्स लगा दिया, नहीं, जो जैसा हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा हम वैसा ही यहाँ पे आपको लगा के दिखाएंगे। स्टार्ट। एक क्वेश्चन है इवेल्युएट करना, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ये मैंने अभी आपको बताया था। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 15 प्लस माइनस एट, मतलब ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमारे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लग रहा है, हमें साइन से बचाना है कि हमारा एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। अब ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स है मतलब हमें प्लस माइनस हमें पता है क्या होता है माइनस होता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 15 प्लस एट हमारा 7, ना इसमें माइनस नहीं आएगा साइन, इसलिए क्योंकि 15 हमारा बड़ा नंबर है और इसमें हमारा पॉजिटिव नंबर है। जब हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो वो हाइड होता है, नेगेटिव हम शो करते हैं साइन लेकिन हम पॉजिटिव साइन नहीं शो करते हैं, तो ये हमारा हाइट जो होता है वो हमारा 15 है, इसमें जो हाइट है वो हमारा पॉजिटिव है, सॉल्व करने वाले हमारा क्या है 7, और इसमें हमारा पॉजिटिव साइन हाइट है, चाहे आप इसको दिखाओ चाहे ना दिखाओ लेकिन आपको नंबर इसमें मिलेंगे। ये दोनों पार्ट्स आपको मतलब दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगाने हैं और मैं इसको कल फिर से रीचेक करूँगी किसने सही लगाया है। थैंक यू सो मच for thank you so much for this video. If you have any queries then you text me and contact me. Thank you so much. Multiplication and division of integers mein aapko kal padhaungi. Thank you so much. Tata bye bye, see you tomorrow.